दुनिया में एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्त्रियां हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने मनपसंद की जीवन संगनी चुना और जीवन संगनी चुनने के बाद वो दोनों कपल एक दूसरे के साथ पारिवारिक जीवन में तो खुश हैं ही, दोनों मिलकर बिजनेस की खूबियों को भी एक साथ समझते हैं और दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपको ऐसे ही हम पांच बड़े बिजनेसमैन की पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं। मुकेश और नीता अंबानी। भारत के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी आज बिजनेस के क्षेत्र में सबसे चार्मिंग कपल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी नीता अंबानी से मिलने की कहानी काफी दिलचस्प है। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता के लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुकेश ने सिग्नल पर कार रोक कर उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि नीता को अपने बेटे मुकेश के लिए धीरू भाई अंबानी पहले ही पसंद कर चुके थे। जेफ बेजोस और मैकेंजी बेसोस। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की लव लाइफ भी काफी दिलचस्प है। जेफ को अमेरिका की उपन्यासकार मैकेंजी बेसोस से प्यार हुआ। ये दोनों अपने काम के सिलसिले में मिले, फिर वहीं दोनों में प्यार हो गया। उसके एक साल बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के दो साल बाद ही जेफ अमेज़न के फाउंडर बने। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी की शुरुआत करने वाले नारायण मूर्ति की जीवन साथी हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने नारायण मूर्ति को 10,000 रुपये दिए थे, जिसे नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस जैसी कंपनी की शुरुआत की थी। आज दोनों बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क का भी काम साथ में करते हैं। आदि और परमेश्वर गोदरेज। गोदरेज ग्रुप भारत के साथ पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आम तौर पर गोदरेज जहां मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं, वहीं उनकी पत्नी परमेश्वर गोदरेज वर्ल्ड क्लास पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के लिए जानी जाती है। साथ ही चैरिटी के काम में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अनिल और टीना अंबानी। मुकेश की तरह उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की भी प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। अनिल और टीना का प्रेम विवाह काफी सुर्खियों में रहा था। आज अनिल अपने परिवार और अपने कारोबार को संभालने में व्यस्त हैं, तो उनकी पत्नी टीना कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का संचालन कर रही है। इसके अलावा वो कई तरह की चैरिटी का काम भी करती है। दोनों की प्रेम कहानी भी अजीब थी और टीना पहले फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। हालांकि अनिल से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया और वो एक उद्योगपति परिवार और उनकी बहू के रूप में पूरी तरीके से घुल मिल गई।